इसको हटवाना है। हाँ हरवाना है, बात सही बात। गड़बड़ किया, हाँ पूरा गड़बड़ यही क्या किया, जीतल सीट को हरवा दिया, जीतल सीट को हरवा दिया। अजय निषाद को देना नहीं चाहता है सब, कि उसको उसको ध्यान नहीं है। देना ही नहीं, सब उनको बोलते हैं कि उसको विधायक जी का यही यही खराब कर दिया, यही खराब कर दिया। दे दो बीजेपी को, दे दो क्या, हाँ बीजेपी को दे देंगे तो भेटो का उसको करना चाहिए ना, कोई कार्यकर्ता सब है सब। बात करेंगे हाँ उसको कुछ मिलवा दो, बताएंगे ठीक ठीक कल कै बजे आवे, कल है 10 बजे। ठीक है 10 बजे आते हैं, तबियत ठीक है ना, ठीक ठीक है नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं रविंद्र कुमार। आज हम बात करते हैं जो देश की राजनीति है, राज्य की राजनीति है, जिले की राजनीति है, राजनीति में कैसे राजनीतिक बड़े बड़े राजनीतिज्ञ धारा बदलते जा रहे हैं। उनको यह लगता है कि एको हम द्वितीय नास्ति, मैं जो हूँ पार्टी में मैं ही हूँ, अगर मुझे टिकट से वंचित कर दिया गया तो मैं दूसरे को जीतने नहीं दूँ, मतलब तरह तरह की जो बातें सामने आ रही हैं। उस ढंग से एक लग रहा है ये पॉलिटिकल राजनीतिज्ञों के बीच बहुत बड़ा ह्रास हुआ है, और जो पहले से राजनीति में हावी हैं वो चाहते हैं कि मेरे अलावे कोई राजनीति में नहीं आए, जिसका एक प्रमाण के स्वरूप में एक ऑडियो करीब एक सप्ताह से जारी मतलब वायरल हो रहा है, जिसमें एक राजनेता की आवाज है, उसमें बताया यह जा रहा है कि वो अपने ही दल के एक सांसद उम्मीदवार को हराने के लिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे बीच जैसे आज राजनीतिक शास्त्र के प्राध्यापक और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी हैं, इसके बाद जैसे भाजपा के पुराने दिग्गज नेता जैसे रविंद्र प्रसाद सिंह हैं, भाजपा के पुराने दिग्गज देवीलाल जी हैं, इन लोगों से इस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं कि आखिर वो लोग मतलब किस रूप में इसे देखते हैं। इससे पहले मैं इन लोगों को एक ऑडियो सुनाने का प्रयास करता हूं, जो ऑडियो वायरल जारी हुआ है, उस ऑडियो में किन की आवाज़ है वे लोग खुद भी जान सकते हैं, उन मुद्दे को लोग उठा करके उन पर बातें कर सकते हैं, उनका तर्क क्या है, उनका तर्क मैं जानना चाहता हूँ। तो मैं सुनाता हूँ वह ऑडियो क्या है, किस तरह से एक दूसरे लोगों के बीच बातचीत हो रही है और क्या उनको कन्विंस किया जा रहा है, और सुनिए ऑडियो। ओम प्रकाश, प्रणाम भैया, क्या करना है उसको, तो भेड़ वगैरह नहीं करता है। आवे ना, ठीक है कल आते हैं। और सब ठीक है, इसको हटवाना है। हाँ हरवाना है, बात सही बात। किया पूरा गड़बड़ यही क्या किया, जीतल सीट को हरवा दिया, जीतल सीट को हरवा दिया। माइंड माइंड सब है कि घचपच में, आपको चक्कर में घचपच में था, सब घचपच में, किसको वोट दे किसको वोट दे, ये वो था वोट सांसद में देना आपका था, वही सब दुख में पब्लिक सब बहुत। अजय निषाद को देना नहीं चाहता है सब, कि उसको देना ही नहीं, सब उनको बोलते हैं कि उसको विधायक जी का यही यही खराब कर दिया, यही खराब कर दिया। दे दो बीजेपी को, दे दो क्या, हाँ बीजेपी को दे देंगे तो भेटो का उसको करना चाहिए ना, कोई कार्यकर्ता सब है सब। बात करेंगे, उसको कुछ मिलवा दो, बताएंगे ठीक ठीक कल कै बजे आवे, कल है 10 बजे, ठीक है 10 बजे आते हैं, तबियत ठीक है ना, ठीक ठीक है। तो आपने ऑडियो सुना, आप लोगों को स्पष्ट लगा होगा कि यह किनकी आवाज है, हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि फर्स्ट लुक बिहार नहीं करता है, यह ऑडियो आप लोग सुन करके आप आकलन लगा सकते हैं ये राजनीति में या क्या चल रहा है। मैं इसके लिए पहले भाजपा के वरिष्ठ दिग्गज नेता देवीलाल जी से जानना चाहता हूँ, वो इसे किस रूप में लेते हैं। ये जो आप ऑडियो दिखाए हैं, ऑडियो वायरल के लिए अपने इस आउटलुक के प्रांगण में बुलाया, स्टूडियो में बुलाया, तो सुनकर, और ये पहले से ही वायरल है ये वीडियो, और सारे लोग यहाँ के राजनीतिक करने वाले कार्यकर्ता हो नेता हो जानते हैं कि ये वीडियो किसका बोली है, किसका वॉइस है, मुजफ्फरपुर के नगर विधायक से आवाज को पहचान रहे हैं। हाँ हाँ एकदम पहचानते हैं, एक एक बच्चा जान जाएगा कि कौन बोल रहा है, यहाँ के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी का वो आवाज़ है। कांग्रेस के विधायक है, फिर कैसे चाहेंगे जो अपने ही दल के जो सांसद प्रत्याशी हैं। देखिए ये राजनीतिक मूल्यों का ह्रास है, उनका ये इतिहास है,
भगवान लाल सहनी जी भी जब चुनाव लड़ने के लिए मुजफ्फरपुर आए थे तो उनके समर्थक और उनके द्वारा किए गए पुतला दहन पूरे शहर में कराया गया था, ये उनका इतिहास रहा है। खैर चलिए, कांग्रेस से कोई बहस नहीं है, लेकिन इस वीडियो में जो वायरल हुआ ऑडियो है ना, जो आवाज सुनाई, हाँ, कि तुम अजय निषाद को नहीं दो और बीजेपी को दे दो, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। अगर इससे हमारी पार्टी को फायदा हुआ है तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। यही चीज़ हुआ शिवहर में, जहाँ शिवहर में हमारे गठबंधन के उम्मीदवार लवली आनंद हैं, अगर यह प्रचार अगर वहाँ करते हैं तो मैं उनको पार्टी में भी लाने का प्रयास करूँगा। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। अब मैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता जो शुरू से ही भाजपा में रहे हैं, जनसंघ काल से ही भाजपा में है, रविंद्र प्रसाद जी से इस पर जानना चाहता हूँ। धन्यवाद रविंद्र जी, आपने अच्छा शो किया है। जो ऑडियो की बात हो रही है, वायरल ऑडियो, उसकी पुष्टि आप न कर रहे हैं न हम कर रहे हैं, आवाज़ लोग सुन रहे हैं, अब तक मैंने नहीं सुना है, लेकिन पूरी चर्चा है आज पेपर में, बिहार मुजफ्फरपुर के प्रिंट मीडिया ने भी छापा है, उनका फ़ोटो छापा है, सवाल जवाब को भी छापा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम जब एक दल के नेता हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमें भी टिकट मिलना चाहिए, और भी लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे जो सिद्धांत में आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सिद्धांत था, और हमेशा हमारे आज इस दुनिया में नहीं है, सुषमा स्वराज जी वो कहा करते थे कि देखो भाई, सबको टिकट के लिए जोर लगाओ, सबको टिकट चाहिए, सबको चुनाव लड़ने की मंशा है, और जिसको मिल जाए सब उसके पीछे लग जाएंगे। और यही हम राजनीति की सुचिता मानते हैं, और अगर ऐसा वीडियो आया है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी पार्टी में रहते, सॉरी, ये ऑडियो जो आया है, ये की आवाज़ हम हाँ को सुनाए भी हैं, हाँ ऑडियो का आवाज़ सुने हैं, तो ऑडियो अगर यह आया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कहीं भी सराहना नहीं की जा सकती है। एक दल विशेष के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने अपना प्रयास दूसरे के प्रति अपना समर्पण दिखाया है, मैं इसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ, लेकिन राजनीति में यह काम कतई नहीं होना चाहिए। और हाल के मैं 1992 से राजनीति में हूँ और हर पद पर संगठन में रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं दिखाई दिया कि जो लोग दूसरे दल के लोग हैं उसको पार्टी ले रहा है, पार्टी में आ रहा है, जा रहा है, ये सिस्टम हाल के 5 साल में ज़्यादा दिखने को मिला है, पूरे देश के लेवल पर अगर देखा जाए। इसीलिए राजनीति सुचिता अब ख़त्म होती जा रही है, राजनीति में कोई पारदर्शिता नहीं है, और हर व्यक्ति अपने हिसाब से राजनीति करने का सोच रहा है, हर दल सोच रहा है, और हमारे में सभी नंगे हो रहे हैं, आज ये दिखाई दे रहा है, और ये ऑडियो साबित कर रहा है कि हम अब किसी भी सिद्धांत के तहत राजनीति करने को तैयार नहीं हैं। एक तरह से जैसे देवी लाल जी ने बताया कि यह ऑडियो एक नगर विधायक का है जो कांग्रेस के हैं, तो क्या वो आपकी पार्टी को मदद किए हैं, तभी आप लोग चाहेंगे कि ऐसे लोग आपके दल में आए? नहीं, हमारी पार्टी का तो जलवा है, पूरे देश में मोदीमय हुआ है, हमारे पार्टी का समर्थन उनकी आवश्यकता नहीं थी, अगर उन्होंने किया है ऐसा किया है तो हम इस पर विशेष बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जिस दल से हमारा जो प्रत्याशी है उसको अपार वोट है, वोटें इधर उधर होती हैं, लेकिन इतना वोट है कि प्रत्याशी को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, मदद करने की आवश्यकता, ये मदद कोई मदद नहीं होता है कि उनको हराओ उनको जिताओ, ऐसे थोड़े होता है। लेकिन जो बात आई है सामने, उसमें अगर आपके पार्टी को मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको यह भी लोभ होगा, अगर ये जो बात सामने आने के बाद अगर जिस दल से हैं उस दल से उनके टिकट को इस मुद्दे को लेकर काट दिया जाता है, चाहे उनको फिर पार्टी में कद छोटा कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या वो आपके पार्टी में आएंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे या ऐसे लोगों का विरोध करेंगे? अभी तो भविष्य की बात है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ इस पर, जब आएंगे तब देखा जाएगा। अब हम इस संबंध में जानना चाहते हैं, जो राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर हैं और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में चर्चित जाने जाते हैं, उनसे किस रूप में लेते हैं और इसे किस रूप में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, निर्णय किस तरह का है, वैसे विधायक का चाहे वैसे जो भी जनप्रतिनिधि हैं जो अपने ही दल के विरोध में एक अभियान चला रहे हैं। फर्स्ट लुक बिहार को बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। देखिए, जहाँ तक इस ऑडियो का सवाल है तो स्पष्ट है कि ये यहाँ के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी की आवाज़ है, ऐसे तो ये जांच का विषय है, फॉरेंसिक जांच में पता चल पाएगा, क्योंकि आजकल आवाज़ भी परिवर्तित किया जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में मूल्यों का ह्रास हुआ है,
और जो राजनीति करने वाले लोग हैं उन लोगों ने विचारधारा को थोड़ा सा एक अलग अपने से रख दिया है। उसका एग्जाम्पल मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी पर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि ये विचारधारा से लैस पार्टी है, लेकिन आप देखिए इसी चुनाव के दरमियान पूरे भारतवर्ष में लगभग 300 महत्वपूर्ण लोगों को, मैं 300 महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूँ, महत्वपूर्ण का मतलब होता है कि जिसका कि जिसका राजनीति में कुछ हस्तक्षेप हो, उस तरह के लोगों को जो कि कांग्रेस में थे, दूसरे दलों में थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लिया है। और साथ साथ जो NDA है उसमें भी अनेक दूसरे दलों को उसने शामिल किया है। तो कहने का मतलब है कि जब भारतीय जनता पार्टी ऐसी विचारधारा से लैस पार्टी जब विचारधारा को दरकिनार करती है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यही देख लीजिए, आप अभी विजेंद्र जी की तो बात आप कर रहे थे, लेकिन आप देखिए यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाया वो पिछली बार VIP से कैंडिडेट थे, और जो अभी कांग्रेस को उम्मीदवार बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, मतलब और भारतीय सांसद एक तरह, हाँ, और भारतीय, और अजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी में 10 वर्ष थे, और ये सिर्फ 10 वर्ष ही नहीं थे, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जो उनको नहीं बोलना चाहिए था, जिसको कि कोई पसंद नहीं करता था कि भाई अगर कोरोना आया है तो कोरोना के लिए मुसलमान जिम्मेवार हो, कोरोना के लिए तबलीगी जमात जिम्मेवार हो, ऐसी बात पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं कही थी, ये अजय निषाद ने कहा था। और अजय निषाद जी 10 वर्षों में वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि साहब एकदम हिंदुत्ववादी हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो है सो ये हैं, और जैसे ही उनको टिकट नहीं मिला तो सीधे विपरीत धारा में कांग्रेस के साथ चले गए और कांग्रेस ने भी उसको अपना लिया। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर विजेंद्र चौधरी दल के सबसे बड़े कोर वोटर मुस्लिम है, जिस मुस्लिम के विरोध में बोले थे उसी दल में चले, इसलिए उस हिसाब से जिस तरह से उन्होंने धोखा दिया है, अजय निषाद जी ने अपनी वैचारिकी को बिल्कुल जो है सो परे करके और उन्होंने धोखा दिया है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को, तो विजेंद्र चौधरी बहुत ही एक जिनको कहा जाए कि एक बहुत ही वो सीजनड पॉलिटिशियन है, और सीजनड पॉलिटिशियन होने के नाते अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो हमको तो ये अच्छा लगा है कि उस तरह के लोगों के का वही इलाज है कि जो 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 बिना विचारधारा के 10-10 वर्ष एक पार्टी में रह के उस पार्टी का सारा फ़ायदा लेके सारा बेनिफिट लेके और जैसे ही उसको टिकट नहीं मिला तो उसमें संयम का अभाव नज़र आया और सीधे कांग्रेस में चला गया और कांग्रेस से उसने वो टिकट लेके चला आया, तो उसको तो कांग्रेस के एक एक लोगों को खड़े होकर उस आदमी का विरोध करना चाहिए था। और यही कारण हुआ कि आपने देखा कि जो राजभूषण निषाद जी भी आए तो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे अच्छे जो लोग से हमारी बातचीत हुई जिन लोगों ने उसको अच्छा नहीं माना, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी में एक से एक लोग, यहीं आप देख रहे हैं देवीलाल जी हैं, यहीं आप देख रहे हैं रविंद्र बाबू हैं, इन लोगों ने जीवन खपा दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। रविंद्र बाबू तो भारतीय जनता पार्टी के एक स्तंभ यहाँ पर माने जाते हैं, देवीलाल जी भी उसी रूप में माने जाते हैं, एक वैश्य समुदाय से आते हैं, एक जो है सो ब्रह्मर्षि समुदाय से आते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कार्यकर्ता हैं, एक से एक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जीवन खपा दिया है, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी ने इस लायक नहीं समझा कि वो लोकसभा का टिकट उनको दिया जा सके। और राजभूषण निषाद जी, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो गया है तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है, राजभूषण निषाद जी एक डॉक्टर हैं, अच्छी खासी उनकी प्रैक्टिस चल रही है, उनको कोई इस राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ जो ये समस्तीपुर के बगल में जो वहाँ उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस उनकी है रोसरा बाजार में, तो लेकिन उनको पार्टी ने भेजा उनको और सारे लोगों ने मिल के उनको मदद भी किया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में आपने देखा जयंत चौधरी को, जो जयंत चौधरी अभी हाल तक माने चुनाव के कुछ दिन पहले तक वो जो थे सो बिल्कुल ये अखिलेश यादव जी के साथ थे और एकदम भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे, जैसे ही उनके जो ग्रैंडफादर हैं उनको जो है सो चौधरी चरण सिंह जी को जैसे ही भारत रत्न मिला वो चेंज कर गए और उन्होंने कहा कि नहीं अब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ओपी राजभर को आप देख रहे हैं कि ओपी राजभर विधानसभा का चुनाव जो 2022 में हुआ एकदम वो जो है सो कट्टर विरोध में थे भारतीय जनता पार्टी के, ओपी राजभर आज जो है सो
लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने छोड़ा, लेकिन बेटी को भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने जोड़े रखा, और बाद में फिर जो है सो अखिलेश यादव के साथ गए, फिर अखिलेश यादव को भी उन्होंने छोड़ दिया। तो इस तरह से एक जो चूँकि चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी, तो कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप चले जाएं तो आपको लगेगा कि साहब वैचारिकी का अभाव हो रहा है, और ये जो है सो लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है। तो आपने सुना कि इस तरह से भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह हैं, उन्होंने क्या बताया कि इसमें अगर सिर्फ अगर ये ऑडियो विजेंद्र चौधरी जी का है तो एक तरह से वह भी गलत नहीं है। इसलिए जो पार्टियां जो भी है, जो भी दल है, वो दल क्या करता है जो अपने कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करके दूसरे दलों से आयातित कर लेता है, जिसके कारण राजनीतिक मूल्यों में ह्रास हो रहा है। राजनीतिक जो राजनीतिज्ञ हैं वह भी दल बदल करके अपने दूसरे दल में जा करके अपना पद पाना चाहते हैं, दूसरे दल में चले जाते हैं, दूसरे दल में वह लाभ सोचते हैं। और राजनीति में यह देखा जा रहा है कि वह चाहे वह केंद्र की राजनीति हो, राज्य की राजनीति हो, चाहे जिस तरह की राजनीति हो, उसमें जो भी राजनीतिज्ञ हैं वह पद पाने के लिए बेताब रहते हैं, इसके लिए वो किसी स्तर पर चले जाते हैं। और जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां भी जैसे दूसरे दलों से लोगों को आयोजित कर करके अपने कार्यकर्ताओं को भी उपेक्षित कर देते हैं, जिसके कारण राजनीति मूल्यों में लगातार ह्रास हो रहा है। तो अब आगे आप देखते रहिए फटलुक बिहार, और हम बने रहिए हमारे साथ।